तो दोस्तों स्वागत है आज के नए ब्लॉग में। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि फाइनली हमारी YouTube की 3000 की फैमिली जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी 3000 एक छोटा सा माइलस्टोन था जो हमने कंप्लीट करा, बट अभी सेलिब्रेशन के लिए हम सोचे कहीं जाएं, तो मन में थॉट आया कि क्यों ना जम्मू में अगर ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो क्यों ना आज 3000 की सेलिब्रेशन में बावे माता ही जाया जाए। तो हमारी जो आज की सेलिब्रेशन होगी वो बावे माता में होगी। अभी हम तैयार हो रहे हैं, मेरे साथ पंकज जी भी चलेंगे। अभी तैयार होके हम सबसे पहले जीवल में जाएंगे, मेटाडोर पकड़ेंगे। हाँ, मेटाडोर ही पकड़ने पड़ी भाई, बाकी आपका साथ रहा तो बावे वाली माता का आशीर्वाद भी रहा, तो यहीं से अपनी गाड़ी में भी बावे वाली माता जाएंगे। बट फिलहाल अभी हम जाएंगे मेटाडोर पकड़ने। तो फाइनली अभी हम आ चुके हैं जीवल में, अभी हम जाएंगे बावे के लिए, मेटाडोर का वेट कर रहे हैं। और पीछे देख सकते हो जेसीबी की खुदाई चल रही है, और अच्छी बात यह है कि जेसीबी की खुदाई देखने के लिए यहाँ पे लोग खड़े नहीं हुए। अभी हम बैठ चुके हैं बावे वाली गाड़ी में, तो डायरेक्ट मिलेंगे आपसे बावे वाली माता के मंदिर में जाके। तो फाइनली अभी हम आ चुके हैं बावे माता के मंदिर में। यहाँ से थोड़ा सा चलना पड़ता है, ये जो जितनी भी मार्केट है ये सारी की सारी बावे देवी मंदिर की ये मार्केट है। तो यहाँ से जाने के लिए कितना कोई 100 मीटर चलना पड़ेगा और उसके बाद मंदिर आ जाएगा। मंदिर के अंदर जाके में भी कैमरा अलाउड नहीं है। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि हम बावे माता जाने वाले हैं, तो अब हम पहुंच चुके हैं बावे माता के परिसर में, भवन के परिसर में। तो आप देख सकते हो कि आगे पीछे बहुत से लोग आए हुए हैं, मैक्सिमम जहाँ पे हमें यूरोपियंस भी मिले हैं कुछ, जो कि बावे माता के दर्शन करने और यहाँ पे जो हमारे इतिहास की धरोहरें हैं, जो जहाँ पे फोर्ट वगैरह बने हुए हैं उनको भी देख रहे हैं। तो अब जा रहे हैं हम भवन के परिसर के अंदर। हो सकता है कि आगे सिक्योरिटी पर्पस के कारण जहाँ पे मोबाइल वगैरह अंदर अलाउड नहीं हुए। तो फाइनली दर्शन भी हो चुके हैं। 3000 सब्सक्राइबर स्पेशल पे हम आए थे बावे माता के दर्शन लेने, क्योंकि हमने सोचा था कि जो सेलिब्रेशन होगी वो डायरेक्ट जाके करेंगे बावे माता के मंदिर में। तो अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं, आशीर्वाद ले लिया है, बट इसी तरह से अपने चैनल को और ग्रो करने की कोशिश करेंगे, और होगा भी यार अगर आपका साथ रहा तो। अभी बावे माता दर्शन करने के बाद यहाँ पे एक रोपवे है, वहाँ से एक और मंदिर है, मुझे अभी एग्जैक्ट नाम पता नहीं है, बट अभी हम जाएंगे रोपवे में। वहाँ पे घंडोला बोलते हैं उसको हिंदी में, तो घंडोले की थोड़ी सैर वैर करेंगे, तो दिखाएंगे आपको आगे का नज़ारा। वो देख सकते हो आप जंगली बिल्ली कैसे घूर घूर के देख रही है भैया, यहाँ पे बहुत से जंगली जानवर आते हैं। हमारी बारी है, जाएंगे चढ़ेंगे और लेंगे नज़ारे। मैंने अंदर जाना था, कैमरा मैंने बाहर से पंकज जी को पकड़ा दिया, बट अनफॉर्चुनेटली जिस लेवल के शॉर्ट्स थे वो हो नहीं सके, और मैं भी अंदर फ़ोन लेके नहीं गया, अंदर से मैंने भी कुछ शॉर्ट्स नहीं लिए। तो यार बट चलो यार, बाहर से उन्होंने कुछ शॉर्ट्स लिए हैं, वो काफ़ी अच्छे हैं, वो दिखाता हूँ मैं आपको। कैमरा पकड़ने के लिए, और सही बताऊँ यार बहुत मज़ा आया, मैं कैमरा अंदर नहीं ले सका था कि पंकज भी आपको मैंने बाहर से बुलाया था कि यार मेरा आने जाने का शूट कर लो। अभी ये भी अंदर जाएंगे, इनके अंदर जाने का भी हम क्लिप बनाएंगे और ये अपने चैनल पर डालेंगे, ठीक है। अभी हम आ चुके हैं जीवल चौक में, और अभी हम यहाँ पर ब्रंच करेंगे। खाना वाना हो गया, अभी हम आए हैं स्मार्ट बाज़ार में, कुछ शॉपिंग वगैरह करेंगे और उसके बाद हमने जाना है स्टेडियम में। तो गाइस शॉपिंग वगैरह हो चुकी है, अभी हम जा रहे हैं हॉस्टल में, थोड़ी प्यास व्यास लगी थी तो सोचा थोड़ा पानी ले लें। हाँ, तो अभी वाला भी ना। हाँ तो 170 वाला तो क्या हो गया, कोकोनट वाटर है भाई, तो अभी हम पानी वानी पी के। तो दोस्तों फाइनली घूम लिया हमने जितना भी घूमना था, अभी बारिश लगने लग पड़ी है, तो ये नहीं कि जाते जाते हम भीग जाएं,
तो जाने से पहले हम व्लॉग को एंड करते हैं और आपको आपसे आग्रह करने चाहता हूँ कि भाई अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी मिलते हैं आपसे अगले नए व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।